नमस्कार, मैं दीदी फौजदार, आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा हेल्थ सेगमेंट सेहत नामा। आज हम बात करेंगे कफ कोल्ड रेमेडीज के बारे में। कुछ ही दिनों में सर्दियां खत्म होने वाली हैं, ऐसे में सर्दी के बीतते सीजन के साथ ही खांसी जुखाम के मामलों में भी फिर बढ़ावा देखने को मिलेगा। कफ कोल्ड एक आम समस्या है जो परेशानी की वजह बन सकती है और हमारे रोज के कामों में भी आपको काफी दिक्कत दे सकती है। हालांकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है, बीते कुछ दिनों में तापमान में लगातार उतार और चढ़ाव बने रहे हैं। इसी बीच सर्दी के आखिरी महीने के बाद भी खांसी जुखाम की बीमारियां और भी ज्यादा बढ़ने को आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही ये समस्या अक्सर हमारे लिए काफी दिक्कत और परेशानी की वजह बन सकती है और हमारे रोज के कामकाज में बाधा भी डाल सकती है। ऐसे में लोग अक्सर दवाओं की मदद लेते हैं जिससे राहत पाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप दवाओं से तो राहत मिल सकते हैं, पर किचन में ऐसे कुछ मौजूदा मसालों से भी आप अपनी खांसी जुखाम की प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। अगर आप या आपके आसपास भी कोई सर्दी खांसी से परेशान है तो इन मसालों की मदद से इसमें राहत पा सकती है। सबसे पहले लौंग, आमतौर पर गर्म मसाले और माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल होने वाली लौंग सर्दी खांसी में राहत दिलाने में काफी मददगार होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड से भरपूर होती है जो गले और खांसी जैसी सारी चीजों के लिए फायदेमंद करती है। इसके साथ ही इलायची, अक्सर मीठे व्यंजन और मिठाइयों में यूज किए जाने वाली इलायची भी आपके लिए काफी असरदार साबित हो सकती है। सर्दियों में खांसी के लक्षण देखने पर भी आपको इलायची खानी चाहिए। हरी और काली इलायची के दोनों ही अलग अलग गुण होते हैं जो आपकी खांसी और सर्दी में काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही आप यूज कर सकते हैं जीरा, क्योंकि जीरा लगभग हर भारतीय किचन में इस्तेमाल किया जाने वाला लोकप्रिय है जो कि बेहद आम मसालों में आता है। खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ यह आपकी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही आप काली मिर्ची भी यूज कर सकते हैं। काली मिर्ची विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर काली मिर्ची भी सर्दी खांसी में राहत दिलाने में काफी असरदार होती है। इसमें मौजूदा तत्व आपको काफी ज्यादा फायदेमंद पहुंचाएंगे। इसमें मौजूदा तत्व आपको खांसी जुकाम से बचाव भी करवा सकते हैं। इसके साथ ही दालचीनी का इस्तेमाल अक्सर खाने के मसालों में किया जाता है, पर यह भी आपकी खांसी में आपको काफी फायदा पहुंचा सकती है। इसके साथ ही अपनी डाइट को भी आप अच्छी तरीके से रखें और ठंडे पानी का सेवन ना करें। जब महीना जाने लगता है सर्दी का तो आप ठंडे पानी का इंटेक करने लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपको ठंडा पानी पीने का मन करता है। इस वजह से भी आपको खांसी सर्दी जैसे कई बीमारियां हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ।